पिछले दिनों पटना की ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका गुप्ता ने अपना चाय का स्टार्टअप शुरू करके खूब सुर्खियां बटोरी थी। अब प्रियंका से इंस्पायर होकर समस्तीपुर की रहने वाली मोना पटेल ने भी पटना में एक स्टार्टअप शुरू किया है, जिसका नाम मोना ने आत्मनिर्भर चाय वाली रखा है। आपको बता दें, मोना ने पटना के जेडी विमेंस कॉलेज से बीसीए की पढ़ाई की है। मोना ने बताया कि बीसीए करने के बाद अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी, तभी प्रियंका गुप्ता को देखकर ख्याल आया कि चाय का स्टार्टअप शुरू किया जाए। मोना मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिले की रहने वाली है। उनकी स्कूल की पढ़ाई पूर्णिया में हुई और अब वो परिवार के साथ पटना में रहती है। वहीं मोना ने बताया कि शुरुआत में एक लड़की का चाय बेचना काफी चुनौतीपूर्ण रहा। लोग तरह तरह की बातें करते थे, घर वाले सोचते थे कि चाय की दुकान पर वो किसी वर्कर को रखेंगी, लेकिन दुनिया और घर वालों की बातों पर ध्यान न देकर उन्होंने इस दुकान को खोला। आपको बता दें, मोना सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक पटना ज्ञान भवन के बाहर अपना चाय का स्टॉल लगाती है। शनिवार को उन्होंने इस दुकान की ओपनिंग की थी। पहले दिन ही लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। नेहा ने अपने स्टॉल पर कुछ मोटिवेशनल लाइन भी लिख रखी है, खासकर लड़कियों के लिए। उन्होंने डियर गर्ल्स, किल एक्सक्यूज, किस अपॉर्चुनिटी, मेरी गोल्स लिखा है। निश्चित तौर पर मोना पटेल की ये नई शुरुआत पटना सहित देश के युवाओं को काफी प्रेरित करता है।